ये बात करते हैं दुनिया की चलती हुई मस्जिद की, जिसका नाम है मोबाइल मस्जिद। नाजरीन, टोक्यो स्पोर्ट्स और कल्चरल एवेंट्स कंपनी ने एक ऐसी मस्जिद तामीर कर दी है जो ज़रूरत के मुताबिक कहीं भी पहुंचाई जा सकती है। जापान के शहर टोक्यो में मुनाकिद होने वाले समर ओलंपिक्स 2020 के लिए एक मकामी कंपनी ने मोबाइल मस्जिद मुतारिफ करा दी है, जिसका मकसद जापान आने वाले मुसलमान सयाहों को नमाज की अदायगी की सहूलत फराहम करना है। नाजरीन, मोबाइल मस्जिद प्रोजेक्ट के सीईओ ने कहा कि हो सकता है 2020 में जब दुनिया भर के लोग इस मुल्क में ओलंपिक्स खेलों में शिरकत करने आएं, तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों की कमी पड़ जाए। मुसलमानों की मजहबी ज़रूरत का ख्याल रखने के लिए बनाई गई मस्जिद 7,70,000 यूरो की लागत से तैयार की गई है और इसमें वजू करने की सहूलत के साथ साथ नाजरीन एक वक्त में 50 मुसलमान नमाज भी पढ़ सकते हैं। मोबाइल मस्जिद को बाहर से देखने वाले इसे सफ़ेद और नीली रंग का एक आम ट्रक समझेंगे, लेकिन नाजरीन जब उसके अतराफ के दरवाजे फैल कर खुल जाते हैं तो ये एक हैरत अंगेज और खूबसूरत मस्जिद में तब्दील हो जाता है। मस्जिद न सिर्फ मुसलमान सयाहों बल्कि मकामी शहरियों के लिए भी है। ये टोक्यो ओलंपिक्स के बाद भी मुख्तलिफ औकात पर इस्तेमाल की जाती रहेगी, बिलखसूस ऐसे मकामात पर जहां लोगों का बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा हो। नाज़रीन, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हम तमाम मुसलमानों को मस्जिदें आबाद करने और पंच वक्ता नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।